किए गए रेडन के द्वारा मार्कस गेमिंग जितने भी फ्रैग्स हो सकते हैं वो निकाल रहे। बढ़िया शू, उन्होंने रिफ्लेक्सर का जो फ्रैग था वो चुरा लिया। टीम गॉड लाइक इस वक्त दिक्कतों में, सोनिक वहां पे अकेले बच सेंसे। बहुत अच्छी कोशिश उन्होंने अपने खिलाड़ी को बचाने की कोशिश की गई है, बट सारंग वो व्हीकल ब्लास्ट हुआ। यशु पहले से उन्होंने डैमेज दे के रखा हुआ था। न्यू स्टेट की एक खासियत है व्हीकल तुरंत ब्लास्ट नहीं होता, थोड़े क्षण बाद वो जो व्हीकल है वो ब्लास्ट होता है और सारंग वहां पे समाप्त हो गए। रेडन उनको भी डाउन किया जाएगा, बट टीम एटम क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका चलता हुआ। अभी भी अगर टीम जेनेसिस की बात करें कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं। चलिए जी नहीं, आदित्य आखिरी थे, समाप्त हो गए स्पाइडर बॉय के द्वारा। रेडन उनको भी समाप्त किया गया। 250 ग्राम आखिरी बचेंगे, योद्धा समाप्त और इसी के साथ टीम बीबी एलिमिनेशन। जाट जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनका भी एलिमिनेशन टीम एसएटीवल के द्वारा। गॉडलाइक इस मुकाबले से बाहर, बट हैदराबाद हाइड्राज को पांचवा पायदान अर्जित करके गए। उन्हें फ्रैग या फिर फिनिश कार्ड का इस्तेमाल खैर करना ही चाहिए था, बट टीम रेवेनेंट वो भी प्ले जोन के बाहर डाउन। टीम एटम इस मुकाबले में एक बेहतरीन शुरुआत करते हुए। क्या सेंसे को पता नहीं था कि वहां पे जोन है, वो हल्का सा जोन के अंदर गए, उनके पास एक भी कम थी, जोन के अंदर आ जाते ही वो खत्म हो गए, उनकी पूरी स्क्वाड खत्म हो गई। ये क्या हो रहा है? टीम ऐसे जुलाते ही पहले मैच में ग्रैंड फाइनल्स, दूसरा दिन they are looking good for a chicken dinner and they are eventually getting a chicken dinner and comes team SATL। ये रॉकेट पेट्रोल डल चुका है, रॉकेट आगे बढ़ चुका है। इससे बेहतर आप शुरुआत क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक टीम से जो आपको बहुत पीछे देखने को मिलते थे।